नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था प्राचीन भारत के 6 नास्तिकवादी दर्शनों के बारे में, जिनमें थे चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक, अरहत और स्वतांत्रिक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्वाक सिद्धांत के बारे में, चार्वाक दर्शन के बारे में, जिसे लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। चार्वाक दर्शन या भारतीय भौतिकवाद दर्शन का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम अवैदिक दर्शन है। इस दर्शन के संस्थापक बृहस्पति को बताया जाता है और इनके ही शिष्य थे चार्वाक। अजित केशकंबली को चार्वाक का अग्रदूत माना जाता है। चार्वाक का अर्थ होता है चारु प्लस वाक, यानी कि चारु का अर्थ होता है सुंदर और वाक का अर्थ होता है अभिव्यक्ति या वचन बोलने वाला। चार्वाक एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिकवादी दर्शन है। इसके समर्थक या प्राच्य दर्शनों का एक वर्ग है। यह भौतिक तत्व को ही ईश्वर के स्थान पर प्रधानता देता है। यह दर्शन ईश्वर का जोरदार खंडन करते हुए यह प्रमाणित करता है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के बिना भी जगत का काम आसानी से चल सकता है। इसके अनुसार ईश्वर को माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से असंभव है, अतः ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियां दी जाती हैं। चार्वाक उन युक्तियों का खंडन करते हुए कहते हैं कि ये युक्ति मान्यता पर आधारित हैं, यानी कि तथ्य पर आधारित नहीं है। इनमें कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। ईश्वर में विश्वास करना किसी काल्पनिक वस्तु में विश्वास करना है, यानी कि ईश्वर एक कल्पना है। ईश्वर ईश्वर चिल्लाना मूर्खता है। ईश्वर से संबंधित सभी धर्म आचरण को चार्वाक ढोंग बताते हैं। पूजा अर्चना एक अंधविश्वास है। चार्वाक वर्तमान में विश्वास करते थे। चार्वाक दर्शन को बदनाम करने के लिए एक श्लोक का सहारा लिया जाता है और वह श्लोक है, यदा जीवेत सुखम जीवेत, अरिणम कृत्वा घृत पिबेत, भस्मी भूतस्व देहस्य पुरागमन कृतः। इसका अर्थ है कि यदा जीवेत, यानी कि जब तक जियो, सुख जीवेत, यानी कि सुखम जीवेत, जब तक जियो, मजे से जियो, ऋण कृत्वा, यानी कि कर्ज लेकर, घृतम पीवेत, कर्ज लेकर घी पियो। शमशान में शरीर जल जाने के बाद शरीर वापस नहीं आता, यानी कि भस्मी भूतस्व देहस्थ पुरागमनम कृतः। अब पढ़ेंगे हम इस दर्शन के क्या सिद्धांत हैं। इस दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह दर्शन केवल प्रत्यक्ष अनुभूति को मान्यता देता है, अनुमान को नहीं देता, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है प्रत्यक्ष। ज्ञानेंद्रियां एवं वस्तुओं के संयोग से प्राप्त ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा और मन, जब किसी वस्तु का संयोग हमारी इन ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के साथ होता है, तब हमें प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। उदाहरण के लिए, जब आँख का संबंध आम के साथ होता है, तब हमें उसके गोल एवं लाल होने का ज्ञान मिलता है। वही प्रत्यक्ष है और वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। चार्वाक के अनुसार ज्ञान अधिक दो भागों में विभक्त है, अनुभव और स्मरण। अनुभव को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष और कल्पना। प्रत्यक्ष वो ज्ञान है जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। वेद ज्ञान वो ज्ञान है जिसे भविष्य में किसी ज्ञान के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता। अकेली इंद्रियां ही
वेद ज्ञान के साधन है, यानी कि चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष को छोड़कर सभी ज्ञान कल्पना है। चार्वाक दर्शन परलोक, कर्म, मुक्ति, पवित्र शास्त्र, वेदों के अधिकार, स्वर्ग आदि का खंडन करते हैं। इनके अनुसार सुख की कामना करना ही व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म होता है। जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है, न कि मोक्ष की प्राप्ति। और इसी दर्शन को फॉलो पश्चिमी देशों में करते हैं, यानी कि वो आज पर डिपेंड रहते हैं, आज की कामना करते हैं, वो भविष्य की कामना नहीं करते, मोक्ष की कामना नहीं करते, वो सिर्फ सुख की कामना करते हैं कि जब तक जीना है मजे से जीना है। देवताओं और पुनर्जन्म पर इस दर्शन को विश्वास नहीं है। यह दर्शन पशु बलि और यज्ञ की निंदा करता है। इसके अलावा चार्वाक दर्शन में बताया गया है कि संसार भौतिक तत्वों से निर्मित होता है, जीवन और चेतना भौतिक तत्वों की देन है। इस दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु से, यानी इन चार तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। उन्होंने आकाश को तत्व नहीं माना है। इन चारों तत्वों के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है, अतः चैतन्य यानी चेतना शरीर का ही एक गुण होता है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक चेतना है, यानी कि तब तक आत्मा है। चार्वाक दर्शन वह दर्शन है जो जन सामान्य के स्वभाव प्रिय है। तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बृहस्पति गायत्री देवी के मस्तक पर प्रहार करते हैं, जो पद्म पुराण के अनुसार गायत्री को समस्त वेदों का मूल माना जाता है। इस दृष्टि से बृहस्पति को वेद विरोधी माना जाता है। चार्वाक सिद्धांतों के लिए बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा दर्शन जो इस लोक में विश्वास करता हो, जो स्वर्ग नरक मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं करता हो। चार्वाक के अनुसार संसार में दुख भी है, यह समझकर जो लोग सुख नहीं भोगना चाहते वह मूर्ख हैं। मछली के कांटे के डर से जो लोग खाना छोड़ देते हैं वह मूर्ख हैं। खेत को बोते नहीं हैं क्योंकि जानवर खा जाएंगे, वह मूर्ख हैं। हमने इस चार्वाक दर्शन के माध्यम से पढ़ा कि यह दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, यानी कि जो कुछ हमारे आंखों के सामने है, जो कुछ हमें दिखाई देता है, जिस किसी को हम महसूस कर सकते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों से, जैसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो यथार्थ हैं। इनके अलावा जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता, जो कुछ हमें सुनाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सभी कल्पना है, यानी कि इनके अनुसार ईश्वर एक कल्पना है। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने चार्वाक दर्शन, यानी कि लोकायत दर्शन, जो कि एक भौतिकवादी, अनीश्वरवादी, नास्तिकवादी एक दर्शन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।